डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने फीस अदा न कर पाने वाले तालिब इलम का मामला हल करवा दिया है। तफसीलात के मुताबिक एक साल से फीस अदा न कर पाने वाले एपीएस के तालिब इलम के हवाले से सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद मेजर जनरल आसिफ गफूर ने फीस का मामला हल करवा दिया। गुज़िश्ता रोज फहद मलिक नामी एक ट्विटर सारिफ ने सोशल मीडिया पर बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल के एक तालिब इलम के वालदैन परेशान हैं, जो कि एक साल से बच्चे की फीस अदा नहीं कर सके हैं और अब तक इसकी फीस 80,000 रुपए से जायद हो चुकी है, जो कि अगर अदा ना की गई तो बच्चे को स्कूल से निकाला जा सकता है। फहद मलिक ने बच्चे का नाम जाहिर किए बगैर इसकी फीस का चलान फॉर्म भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। फहद मलिक ने दूसरी ट्वीट में कहा कि मेजर आसिफ गफूर शायद इस बच्चे की फीस माफ करवाने या अदा करने में मदद कर सके या शायद एपीएस अदारे का कोई फर्द कुछ मदद कर सके। इसके बाद डीजी आईएसपीआर ने जवाब में कहा कि वो इस मामले को हल करवा देंगे। आज उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में बताया है कि बच्चे की फीस का मामला हल हो गया है और साल की फीस अदा न करने के बावजूद भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं गया था और इसे स्कूल में पढ़ने दिया जा रहा था। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बच्चे के चलान फॉर्म की तस्वीर भी अपलोड की है और बताया है कि बच्चे की फीस का मामला हल करवा दिया गया है।